पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एक और जहां प्रदेश ही नहीं देश भर में भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं मुरादाबाद जनपद में गुजारिश फाउंडेशन की ओर से अनोखे अंदाज में भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न मनाया गया। गुजारिश फाउंडेशन की ओर से शहर के मिलन विहार स्थित वृद्धाश्रम में केक काटकर और वृद्ध जनों के साथ धूमधाम से मनोरंजन कर भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न मनाया गया। गुजारिश फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर खुशबू ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी ये संस्था, जिसमें डॉक्टरों की टीम शामिल है, हम लोग चिकित्सा से लेकर शिक्षा तक लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनने पर संस्था के सदस्यों ने मिलन विहार स्थित वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों के साथ जश्न मनाया। संस्था के मेंबर्स ने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का मानना है कि समाज के बेसहारा व्यक्ति तक सरकार की मदद पहुंचे, इसीलिए उन्होंने इस अवसर पर बुजुर्गों के साथ नृत्य कर अपने खुशी का इजहार किया है। इसका तीन उद्देश्य है। पहले तो हम गरीबों की मदद करें, लेकिन मदद ऐसे ना करें कि वो जिंदगी भर गरीब रहे। हमारा उद्देश्य है कि हम उन्हें उनके टैलेंट के बेस पे छाटे और उन्हें रोजगार दें, ताकि उनकी गरीबी ओरिजिनलिटी में दूर हो, ना कि सिर्फ दान दें। दूसरा, गरीब बच्चे जिन्हें इंग्लिश मीडियम नहीं मिलता या ऑनलाइन एजुकेशन नहीं मिलता, तो हम उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन भी लाएंगे, ताकि गरीब बच्चे अधिक से अधिक शिक्षित हों। तीसरा, हेल्थ कैंप, जिससे हमारी ये जो टीम है डॉक्टरों की है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करें चिकित्सा से रिलेटेड हर जानकारी के लिए, नई मशीन तकनीक के बारे में, और उन्हें फ्री में इलाज की सुविधाएँ भी दें। तो हमारा एनजीओ तीनों इसी पे काम कर रहा है। क्या एनजीओ का नाम है और क्या मतलब एनजीओ, और इसके अलावा क्या क्या कार्य कर रहा है आगे और कब से चल रहा है? ये गुजारिश फाउंडेशन है। अभी हम स्टूडेंट लाइफ में ही स्टार्ट किए हैं, क्योंकि हमें इससे लगाव था। हमने बुजुर्गों को देखा, सबको देखा, तो हमें एक लगाव जुड़ गया। तो गुजारिश एक वर्ड लेकर आए हैं, ताकि हम लोगों से अपील कर सकें कि वो आएँ, गरीबों की मदद करें। और गुजारिश फाउंडेशन अभी 2022 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम चाह रहे हैं बहुत लंबे समय तक जाए, और सरकार और जो भी लोग हैं जो इससे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें। तो हमारी बस इतनी अपील है, गुजारिश है कि गुजारिश फाउंडेशन में लोग आए। आज वृद्धा आश्रम में कार्यक्रम रखा गया, उसका क्या मेन मोटिव रहा और मतलब क्या मोटिव? मेन मोटिव ये था कि एक तो योगी जी हमारे जीते हैं, श्री राम जी को लाए हैं, तो एक जश्न भी हो जाए बुजुर्गों के साथ, इन्हें भी खुशी मिले। और एक इसी साथ में हमारे साथ एक हमारे जूनियर हैं जो डॉक्टर हैं, इनका बर्थडे भी था, तो हम सोचे कि गरीबों के साथ बुजुर्गों के साथ आशीर्वाद लेके किया जाए। और योगी जी के जश्न में एक बार आगाज किया गया है फिर से यूपी में, तो हम लोग इसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।